I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies. Okay, alright, so hey guys, welcome back to the channel everyone. I hope you all are doing great. So, आज का जो वीडियो होने वाला है वो आप लोग टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि हेयर ट्रीटमेंट के ऊपर होने वाला है. बट गाइस, ये जो आवाज आ रही है ना, वो जियोन खेल रही है, तो थोड़ा इग्नोर कर देना इसको. सो गाइस, आज का जो वीडियो आने वाला है वो हेयर ट्रीटमेंट के ऊपर होने वाला है, जैसे कि आप लोग ने पढ़ा थंबनेल टाइटल में और थंबनेल में देखा. सो गाइस, वीडियो पे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ. मेरी एक मौसी है जो मेकअप आर्टिस्ट है और वो 3 साल से इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस्ड है, और उनका भी एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, मेकअप कॉन्टेस्ट, जो ऑनलाइन चल रहा है एक यूट्यूब चैनल के थ्रू. तो उसका सीन क्या है कि व्यूज से और सब्सक्राइबर से पॉइंट्स मिलते हैं वो वीडियो पे. सो गाइस, मेरी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार जाके व्यू करो वो वीडियो, आई बटन में है. सो फटाफट व्यू करके आ जाओ, 1 मिनट का ही कुछ वीडियो है. एंड अगर 20 अक्टूबर तक ये कॉन्टेस्ट चलने वाला है, आज 17 अक्टूबर है एंड 3 दिन है अपने पास. सो गाइस, जिता सकते हैं अपन. सो गाइस, साहिल ब्लॉग्स आर्मी की थोड़ी पावर दिखा के आओ एंड व्यू करके आओ वो वीडियो. सो मेरी मौसी को भी अच्छा लगेगा अगर जीत जाएंगे तो, एंड मुझे भी अच्छा लगेगा क्योंकि ऑफकोर्स मेरी मौसी है. सो बढ़ते अपने सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ. सो गाइज, मैंने अभी अपना गेमिंग चैनल खोल लिया है. सो जिसको भी इंटरेस्ट है गेमिंग में तो जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, सबको करना है सब्सक्राइब. जिसको इंटरेस्ट है आ सकते हो. सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी जाओ सब्सक्राइब करो. ओके, सो अभी बढ़ते हैं मेन वीडियो की तरफ. सो गाइज, आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है हेयर ट्रीटमेंट के ऊपर. सो गाइज, हेयर ट्रीटमेंट बहुत सारी होती है, केराटीन, स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग वगैरह वगैरह बहुत टाइप्स की हेयर ट्रीटमेंट्स होती है. एंड सो आज मैं बात करने वाला हूँ केराटीन के सिमिलर की ट्रीटमेंट, जिससे रिजल्ट सेम आते हैं केराटीन जैसे. सो स्मूथनिंग के ऊपर, तो स्मूथनिंग करने वाले आज हम मेरे बालों पे. सो कभी की नहीं थी मैंने एंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए. सो अभी आप वही देखोगे. तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर दें एंड मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड. I think I'm in love, say it way too often. I can't play these games, think I'm switching up the offense. See me in LA, I be moving cautious. I can't feel no pain, rolling up, I'm so exhausted. I be so exhausted, whoa, oh, 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 oh. I be so exhausted, whoa, oh, 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 oh. I close my eyes, I see the vision. All this weeding got me lifted, pour four and then I finish tonight. I told my mama that I'm with it. Got it solid, like it's my kitchen. Middle finger to these bitches up, aight. Cause I'ma do it my way. Sit you like the flu, ayy. Shawty said she love me. I told her, who are you, ayy? I ain't with that lame shit. Since I took out your brain, bitch. All these niggas talking, fuck about what they say. GTA, I'm wasted. Lately, I've been anxious. I'm so done with this fake shit. I'm so done with you. I'm so done with you. I'ma roll another blunt, getting lost, I'm never found. Guess I'm never good enough for these bitches in my town. I don't really give a fuck, I'm a king like with my crown. Can't think about them all, cause it all gon' hold me down. I done made it through the storm, I ain't talking NBA. Mama knew I'd be a star, mama look what I became. I got Von up on the phone, said he touched down in LA. I'ma get it how I get it, I ain't changing for the fame. Man, I put it on my name. सो गाइज, जैसे कि आप लोगों ने देखा, पहले मेरे बाल बहुत कर्ली थे एंड बाद में अपने रिजल्ट्स देख ही लिए कि कैसे हो गए, स्ट्रेट, स्मूथ और स्ट्रेट और शाइनी हो गए. सो आपको भी कराना है तो पे करा सकते हो. वाजिद भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन में एंड एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में होगा. तो जाओ जल्दी जाके अपना ट्रीटमेंट कर सकते हो उधर. एंड उधर वाजिद भाई को आप पूछ लेना व्हाट्सएप पे क्या प्राइस चल रहा है,
स्मूथनिंग से कुछ डैमेज नहीं होता, 7 months बाद मेरे बाल भी एकदम अच्छे है, बट थोड़े कर्ली हो गए, पहले बहुत स्मूथ एंड स्ट्रेट थे, तो वो फर्क दिखता है, बट हाँ पहले जैसे हो गए, कुछ डैमेज नहीं हुआ है। तो गाइज, एंड आपको अगर हेयर फॉल हो रहा है तो हेयर फॉल के ऊपर पे नेक्स्ट वीडियो बना सकता हूँ, तो कमेंट करके बताना कि हेयर फॉल के ऊपर वीडियो बनाया जाए, नहीं हेयर फॉल कैसे रोके, सो उसके ऊपर वीडियो बना सकता हूँ। बहुत सारे रेमेडीज है मेरे पास एंड कुछ प्रोडक्ट्स भी है जो आपको हेल्प करेंगे हेयर फॉल रोकने के लिए, सो वो भी दिखा सकता हूँ। सो कमेंट कर देना एंड आपका भाई वीडियो बना देगा आपके लिए, ठीक है। स्मूथनिंग और केराटिन के सिमिलर रिजल्ट्स आते हैं, आई मीन तुम्हारे बाल स्मूथ रहते हैं, तुम्हारे बाल स्ट्रेट रहते हैं और तुम्हारे बाल शाइनी रहते हैं। तुम कैसे भी सेट कर सकते हो एंड बहुत सही रहते हो बाल, तो वही रहता है, सेम रिजल्ट रहते हैं स्मूथनिंग और केराटिन में। बस केराटिन थोड़ा महंगा होता है और वो पता नहीं उसके अंदर क्या फ़र्क है क्या नहीं, मेरे को भी नहीं पता, सो आप सर्च कर सकते हो। एंड स्मूथनिंग का भी वही रिजल्ट रहता है, बट केराटिन ऐसे बोलते हैं कि डैमेज बालों पे किया जाता है और स्मूथनिंग जब मन चाहे करो, आई मीन पता नहीं क्या होता है, बट स्मूथनिंग मेरा चला था 7 months तक मिनिमम, हाँ मैक्सिमम 7 months तक चला था और अच्छा, मतलब बाल थे स्मूथ शाइनी एंड सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बस हाथ घुमा तो सेट हो जाते थे एंड वही सीन था। सो अच्छे रहते, तुम लोग भी कर सकते हो टेम्पररी बेसिस के लिए, कोई इवेंट है वगैरह ऐसे रोज़ रोज़ मत करो क्योंकि बाल डैमेज भी हो सकते हैं क्योंकि केमिकल्स रहते हैं, तो समझ सकते हो तुम लोग। सो रोज़ रोज़ मत कराओ, अगर कुछ किसी की शादी है फंक्शन है तो ही करा सकते हो, टेम्पररी बेसिस पे ही वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो वही है, अगर तुम्हारी मर्जी है बाल खराब करने टकला होना है तो तुम लोग कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी मर्जी। मैं तुम लोग को एज अ टिप दे रहा हूँ कि एक बार करा लो, अगर मतलब तुम लोग को ऐसे कराना ही है, चूल मच रही है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो ऐसे कुछ करने के लिए, सिर्फ ट्राई करने के लिए कर सकते हो एक बार, वो ठीक है, और किसी फंक्शन के लिए करना है तो कर सकते हो। और स्ट्रेटनिंग गाइज मत करना, बिकॉज स्ट्रेटनिंग बहुत वो होता है, डैमेज हो जाते हैं बाल, तो स्ट्रेटनिंग थोड़ा अवॉइड कर सकते हो, स्मूथनिंग बेटर है स्ट्रेटनिंग से, एंड केराटिन तो बहुत ही ज़्यादा बेटर है क्योंकि डैमेज बालों को रिपेयर करता है। सो गाइज ये जो ट्रीटमेंट है जो मेरे बालों पे हुई है, ये 7 महीने पहले हुई थी, 7-8 महीने पहले दिसंबर में हुई थी 2019 में, सो तभी कोरोना नहीं था, तभी कमेंट मत करना मास्क क्यों नहीं पहना, ये क्यों नहीं पहना, सो वही। सो गाइज आई होप तुम लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। 1000 सब्सक्राइबर्स अपने होने वाले हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करो एंड बाजू का बेल आइकन भी दबा देना, उससे आपको नोटिफिकेशंस आती रहेगी और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही अच्छी आने वाली है जो कि फूड चैलेंज होने वाला है और एक स्पाइसी चैलेंज होने वाला है और वो आ रहा है कोरिया से। सो समझ जाओ और कमेंट करो और प्यार फैलाओ दोस्तों, बहुत वो हो चुका है 2020, थोड़ा बुरा जा चुका है, तो थोड़ा और प्यार फैलाते जाओ, शेयर करते जाओ सबको वीडियो एंड लाइक करते जाओ और प्यार फैलाओ दोस्तों, हेट नहीं फैलाओ, ठीक है गाइस। एंजॉयड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।